इमरान खान जिंदाबाद। जो भी कह रहे हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि इम्पोर्टेड कुमार ना मंजूर हमें, बिल्कुल मंजूर नहीं है। और अब हम उनको देखना भी नहीं चाह निकलेगा। और हर दिल में इमरान खान बसता है, तो जब दिलों में बसे हो जाए ना लोग, तो फिर दिलों से निकलते नहीं होते। हमारे साथ मुझे उनसे भी पूछते हैं कि वो जलसे में क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज जलसे में आने की क्या, पहले तो आप ये बताएं, क्योंकि जलसे में आने की क्या, इमरान खान ने अकेले इस मुल्क का ठेका नहीं लिया। हम औरतें घर चलाती हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, इस वजह से हमें अपनी आज़ादी के लिए, हम किसी गुलाम नहीं, इस वजह से हम लोग आए हैं जलसे में। और अच्छा, औरतों का भी हक बनता है कि वो भी पार्टिसिपेट करें मर्दों के बराबर। बिल्कुल, इमरान खान ने शऊर दिया औरतों को कि औरतें भी आएँ। तो इस वक्त आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आई हुई हैं? मैं अपने बेटे और बेटी के साथ आई। अच्छा, और अपने हस्बैंड के साथ भी आई हुई है कि वो नहीं साथ आए? नहीं, हस्बैंड मेरे आउट ऑफ सिटी हैं। अच्छा, तो क्या वो भी पीटीआई की सपोर्ट करते हैं? जी, वो भी पीटीआई का सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो आउट ऑफ सिटी, इस वजह से नहीं आ रहे। अच्छा, अभी कुछ देर पहले एक खातून से बात हुई थी, वो अपने हस्बैंड से छुप के आई थी, आप तो छुप के नहीं आई? नहीं नहीं, मैं अपने हस्बैंड, मेरे हस्बैंड को पता है कि मैं यहाँ। बहुत शुक्रिया। जलसे में ख्वातीन का जज्बा देखने का है, इस वक्त कसीर तादाद में ख्वातीन मौजूद हैं। इसी सिलसिले में एक और खातून से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत कसीर तादाद में अभी रैलियाँ ख्वातीन की और आ रही हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारी जो ख्वातीन हैं वो जेंट्स से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्योंकि इमरान खान उनके दिलों की धड़कन है और उनके दिलों में बसते हैं, और इसलिए इमरान खान के साथ सब ख्वातीन को बहुत प्यार है, बच्चों को, बड़ों को, इवन के सबको, बूढ़े बच्चे जितने भी, इमरान खान हमारे दिलों में बसते हैं और हमारी जान है वो। इमरान खान माशाल्लाह से सियासतदान भी हैं, क्रिकेटर भी रहे हैं, और उनकी पर्सनैलिटी भी है, तो आप उनको लाइक कर रही हैं सियासत की वजह से लाइक कर रही हैं या पर्सनैलिटी की वजह से लाइक कर रही हैं? नहीं, सियासत की वजह, पर्सनैलिटी तो थे ही थे, वो तो है ही है, लेकिन वो जो उनकी क्रिकेट में भी थे, लेकिन हमें सियासत में वो जो शोर उन्होंने हमें दिया ना, आज तक हमें वो शोर कोई दे नहीं सका, हमें बता नहीं सका कि हम क्या हैं। हमें इमरान खान ने बताया कि हम क्या हैं, हमारी ताकत क्या है, हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं। इन लोगों ने हमें इतना दबा के रखा हुआ था, इन्होंने हमें एक, वो कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के वो रखा था। ये जो शोर देने वाला इंसान है ना, वो इमरान खान है, इसलिए वो हमारे दिलों में बसते हैं, और जो दिलों में बसते हैं वो कभी दिलों से निकलते नहीं। ये इम्पोर्टेड कुमार की बहुत बड़ी यह कहना कि खुश फहमी है कि इमरान खान, हर घर से अब इमरान खान निकलेगा और हर दिल में इमरान खान बसता है, तो जब दिलों में बसे हो जाए ना लोग, तो फिर दिलों से निकलते नहीं होते। ये उनको बता दी, मैं बताती हूँ कि आप लोग हमसे आप ख़त्म, वो जो आपने हमारे पर एक गलत तासर रखा हुआ ना कि आप हमारे खैर ख्वाह हैं, तो आप हमारे खैर ख्वाह थे ही नहीं, आप अमेरिका के खैर ख्वाह थे, आप मोदी के खैर ख्वाह थे, आप पाकिस्तानी अवाम के खैर ख्वाह कभी भी नहीं। ये जो हमें जो अपनी हैसियत का अंदाज़ा हुआ कि हम क्या हैं, वो हमें इमरान खान ने बताया कि हम एक पाकिस्तानी कौम हैं, हम एक आज़ाद कौम हैं, हमें एक आज़ाद माशरे में रहना चाहिए। और ये सवाल मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट से भी करूँगी कि अब वो वक्त चला गया जब आपने, जब एक आमर ने जब कुछ अर्सा पहले बहुत कुछ किया, लोगों को फांसियाँ दी, कोड़े लगाए, जो भी अभी जो रिसेंटली अभी जो अपने ये इनके साथ शहबाज गिल के साथ ये कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। जुल्म जो होता है जब बढ़ता है तो वो मिटता है, और इंशाल्लाह मिटेगा, और इमरान खान के साथ मिलके पाकिस्तान के अवाम जो वो मिटाएगी, और हर घर से एक शहबाज गिल निकलेगा, और इंशाल्लाह हम शहबाज गिल के भी साथ हैं, और अपने कायद के साथ हमारी जान भी हाजिर है, हमारे बच्चा बच्चा उनके लिए हाजिर है, और हम उनके लिए जीना मरना हमारा इमरान खान के साथ है। आप बेशक जो भी कह लें, मैं तो ये कहती हूँ कि इम्पोर्टेड कुमार ना मंजूर हमें, बिल्कुल मंजूर नहीं है, और अब हम उनको देखना भी नहीं चाहते। चाहे जितनी पाबंदियाँ लगा लें, पैमरा पे लगा लें, एयरवाई पे लगाइए, जब दिलों में लोग बसते हो तो उनको कोई ज़रूरत नहीं होती किसी पाबंदी की। इमरान खान हमारे दिलों में, और दिलों में बसा हुआ बंदा कभी जाता नहीं। थैंक यू।